दंतेश्वरी नगर झोपड़पट्टी में गुरुवार की शाम को भीषण अग्निकांड हुआ है। दो मंजिला मकान में आग लगी। गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। अफरा तफरी व दहशत का माहौल रहा। हादसे में एक बच्ची की मामूली रूप से घायल हुई है। इसी बीच दमकल कर्मियों ने दो वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया है। विठल शंकर राव मड़ावी और धर्माजी शंकर राव मड़ावी नामक दो भाइयों का संयुक्त रूप से दो मंजिला मकान दंतेश्वर नगर झोपड़पट्टी में है। तल मंजिल पर ऊपरी माले पर बने अलग अलग कमरों में मड़ावी बंधुओं के बहु बेटों का परिवार रहता है। मकान का कुछ हिस्सा कच्चा व पक्का बना हुआ है। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे के दौरान अचानक मकान के ऊपरी माले से धुआं उठने लगा। उक्त ऊपरी माले पर निवासरत ट्रक चालक राजेश व उसकी पत्नी सविता बालकनी में खड़े थे। उनके बच्चे भी वहीं पर खेल रहे थे। आग लगने से मड़ावी परिवार के सदस्य जान हथेली पर लेकर भागे। इस दौड़ भाग में राजेश की पुत्री गुनगुन मामूली रूप से जख्मी हो गई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी बीच आग की चपेट में आने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज से परिसर दहल उठा। किसी ने हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी। दो वाहन के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। घटना में टीवी, फ्रिज, कपड़े, गद्दे, अनाज आदि जलकर खाक हो गया है। मी त्रिमूर्ति अग्निशमन केंद्र इथून रुपेश माणिकराव मानके सब ऑफिसर बोलत आहे। इथे आम्हाला पीबीएक्स वरून कॉल मिळाला। धनगरपुरा ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल जवळ झोपडपट्टीमध्ये इथे अंगार लागलेली आहे। आम्ही तुरंत इथे आलो आहे। इथे आल्यानंतर आम्हाला सपोर्टला नरेंद्रनगर यांची गाडी मिळालेली आहे। इथे सेकंड फ्लोअरवर एक झोपडी होती, तिथे अंगार लागली आहे। तिथून हे आगीचं कारण उत्पन्न झालेलं आहे। तिथे एक सिलेंडर होता, तोही ब्लास्ट झालेला आहे। आणि बाजूच्या घरी आग लागली आहे। तिथले फ्रीज, कपडे, बेड ह्या सर्व वस्तू जळालेल्या आहे। ह्या आगीमध्ये धावपळीमध्ये एक लहान मुलगी गुनगुन राजेश मडावी ही 10 वर्षाची मुलगी जखमी झालेली आहे। तिला घेऊन जाणारे रमेश हिरालाल उके हे सुद्धा जखमी झालेले आहे। यांच्या पायाला किरकोळ जखम झालेली आहे। अजून आगीचं कारण अज्ञात आहे, माहिती नाही। इथे दोन आल्या, एक त्रिमूर्ती अग्निशमन केंद्र इथून एक गाडी आली आहे, दुसरी गाडी नरेंद्रनगर अग्निशमन केंद्र इथून आलेली आहे। एक सिलेंडर एसपी कंपनीचा। नाही, कोणी सिरियस नाही आहे, किरकोळ जखम झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपूर।